देश भर के इन राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। चक्रवात सीतरंग से जुड़ी ताजा और बड़ी अपडेट। उत्तरी अंडमान सागर और दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र भी और तेज हो गया है। उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़कर के एक अवसाद के रूप में बन गया है, जो कि चक्रवाती तूफान के रूप में मजबूत होने की संभावना में भी है। समुद्र तट के ऊपर ओडिशा तट से दूर बना हुआ है। उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट से सुरक्षित दूरी पर है। चक्रवात के ओडिशा तट को पार करने और गंगे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के दक्षिणी हिस्सों की ओर बढ़ने की संभावना है। चक्रवात के गंगा के डेल्टा के ऊपर जाने की संभावना है। चक्रवात से पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र और बांग्लादेश के आसपास के हिस्से शामिल हो सकते हैं। 24 और 25 अक्टूबर की सुबह ही भूस्खलन की संभावना है। उत्तरी ओडिशा के तटीय इलाकों में मध्यम से भारी बारिश के साथ इसके साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं। दीघा, डायमंड हार्बर, पूर्वी मेदिनीपुर, दक्षिणी 24 परगना और सुंदरवन क्षेत्र को कवर करते हुए तूफान पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र को प्रभावित करेगा। गंगे पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी हिस्सों में बहुत भारी बारिश के साथ आंधी की गति तेज रह सकती है। 24 और 25 अक्टूबर को खतरनाक मौसमी स्थिति भी बनी रहेगी। 26 अक्टूबर को तूफान काफी कमजोर हो जाएगा। यह बारिश की गतिविधियां पूर्वोत्तर भारत तक पहुंच जाएंगी। इसी क्षेत्र में 27 अक्टूबर तक बारिश होती रहेगी। चक्रवात के असर से झारखंड राज्य में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। झारखंड राज्य के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कई इलाकों में आंशिक बादल देखने को मिलेंगे तो कई जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश भी हो सकती है। 22 से लेकर 24 अक्टूबर तक सुबह में कोहरा भी छाया रहेगा। 25 अक्टूबर को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की भी उम्मीद है। तमिलनाडु और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां, एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट, उत्तरी आंध्र कर्नाटक, केरल तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। कोंकण और गोवा में भी आज कुछ जगहों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। 23 अक्टूबर तक बारिश की गतिविधियां पूरी तरह से ही बंद हो जाएंगी, जिससे कि मानसून की वापसी का रास्ता भी साफ हो जाएगा। इन क्षेत्रों के लिए मानसून की बारिश के अंत का भी प्रतीक माना जाएगा। उत्तर भारत के पश्चिमी हिमालय में अगले 10 से 12 घंटों तक हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी जारी रह सकती है। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा।